हेलो दोस्तों, मेरे चैनल गार्डनिंग फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइबिस्कस प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इस प्लांट के रख रखाव कैसे की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट हमारा जो है काफ़ी हेल्दी है, फ्लावर बड से भरा पड़ा है, कुछ फ्लावरिंग भी है। और ये तभी संभव हो पाया है जब इसकी बढ़िया से देखभाल की जाए और इसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी की जाए। और इस चीज़ को करने के लिए मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने इसको कैसा किया। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ कर रहा हूँ और जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है सक्सेस के साथ, उसी को सिर्फ एक्सपीरियंस कर शेयर करूँगा। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि मिट्टी। तो आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो कैसी हो, ख़ास करके आपका जो ये प्लांट है करीब 14 इंच के और 10 इंच के पॉट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी मिट्टी को आप हमेशा जो है हल्की बनाएं, भुरभुरी बनाएं। उसमें अगर आप 50% सॉयल, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट की कंपोजिशन को रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिट्टी एकदम हल्की है, भुरभुरी है, हल्की मॉइस्ट है, जैसा कि होना चाहिए। और आप साथ में इसमें बोन मील भी मिला सकते हैं, करीब 30 से 40 ग्राम। नीम के एक पाउडर डाल सकते हैं, मस्टर्ड के एक पाउडर मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्लांट को जो है आवश्यक पोषक तत्व तो देती ही हैं, साथ ही साथ इसको जो है वो रोग से भी बचा कर रखती है। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी के साथ में, वो है कि आप इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने की कोशिश करें और जो कंपोस्ट आपको मदद करता है एसिडिक बनाने में। चलिए, तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। दूसरी है इसको सनलाइट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी सनलाइट पड़ रही है, आप भी कोशिश करें कि आपके प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे की सनलाइट मिले, तो डायरेक्ट सनलाइट मिले तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो अच्छी सनलाइट से ही फ्लावरिंग उसकी बढ़िया हो पाती है। तो ये उसके लिए एक जो है आप काफ़ी आवश्यक चीज़ है। अब हम इसके वाटर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो वाटरिंग है वो आप इसको ऐसा करें कि जब ज़रूरत हो तो उस हिसाब से डालें। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सूखी हुई है, अब इसमें पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इसको गीला रखेंगे और इसको मडी रखेंगे तो ये इसमें जड़ें जो हैं ख़राब हो जाएंगी। इसलिए जो हमेशा आप पानी उतना ही डालिए जितने में पानी ड्रेन हो जाए और पानी का जमाव ना हो, क्योंकि जहाँ जमाव होगी जड़ों के पास में अगर पानी जमेगा तो आपकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और उस तरह से जो है आपका पेड़ फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। सो ये बेसिक्स हैं जिसको आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अब बात हम लोग बात करते हैं कि इसके फीड के बारे में, इसे कितनी जो है एनर्जी चाहिए फ्लावरिंग के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए हरे भरे बने रहने के लिए। तो जो है हम बात करेंगे अब कि हम किस तरह से इसमें फर्टिलाइजर डालें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्लांट के लिए। तो हमेशा याद रखें कि इस प्लांट को जो हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि ये फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते हैं। तो इसमें आप जो है लगातार मात्रा में और कुछ दिनों में इसको आपको हमेशा फ्लावरिंग जो है करते रहनी इस चाहिए, तो आपको बढ़िया से फीड देना होगा। तो इसके लिए है, एक तो आपने कंपोस्ट का बेस, ऑर्गेनिक बेस बना दिया, साथ ही साथ आप इसमें जो है बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। बनाना फीड फर्टिलाइज़र का मैं डिस्क्रिप्शन आप जैसे पर देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आप बना दें। और उसको हर एक 10 दिन में आप जो है 50 ml बनाना पील फर्टिलाइज़र जो है इसमें पानी में मिला के डालें, करीब 200 ml पानी में मिला के डालें तो वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र जो है उसमें सिर्फ पोटास ही नहीं होता, साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो है वो कैल्शियम जो होता है जो उस प्लांट को नाइट्रोजन लेने में मदद करता है मिट्टी से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसमें वो बनाना पील फर्टिलाइजर डालें। साथ ही साथ आप बनाना पील या ऑरेंज पील को सुखा करके ड्राई पाउडर की तरह मिलाते हैं मिट्टी में, वो भी बहुत अच्छी बात है, प्लांट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान रखें कि आप इसमें फॉस्फोरस बेस कोई फर्टिलाइजर ना डालें, DAP ना डालें, जो इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। आप हर एक 7 दिन में सीवीड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, ग्रैनुअल्स के जैसा 2 चम्मच, अगर 10-12 इंच की पॉट है तो उसमें। और अगर आप उससे भी कम में देखना चाहते हैं तो आप घर में जो आलू या पोटैटो को बॉईल करते हैं उसकी पानी को ठंडा करके डालें, वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जिसको कीड़ों से बचा के रखें, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लांट में कहीं भी मिली बग या बाकी कुछ नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक सप्ताह में 2 या 3 बार नीम ऑयल को
एक दो चम्मच नीम ऑयल में डिश वॉशर या कोई भी शैम्पू को मिला के 1 लीटर पानी में अच्छे से इसमें स्प्रे करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो उससे आपका जो है वो कीट और जो है पेस्ट हैं इस पर नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के लिए और इस प्लांट के लिए खास करके वो एक काफ़ी परेशानी की बात होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका भी फ्लावरिंग प्लांट जो है बढ़िया से, हाइबिस्कस का प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा और आपको जो है अपने मेहनत का फल मिलेगा। तो ये सारी बेसिक टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।